हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। दोस्तों अभी जो है हम बिनवाड़ा पे आए हुए हैं, सफियाबाद बिनवाड़ा जमालपुर में है। और यहाँ जो है सेठ जी का गोदाम है और यहीं पर देख सकते हैं वर्क हो रहा है। ईटा में पानी डाला गया है फूलने के लिए। और ऐसे में यहाँ पर एक सांप देखा गया है दोस्तों, तो किसी बच्चे ने सांप देखा है फिर हमें कॉल किया, तो हम आ चुके हैं। अब सारी ईंट हटाते हैं और उसका रेस्क्यू करते हैं। बने और क्या है, ये थोड़ा सा दब गया है तो पहले हम लोग थोड़ा सा छुड़ाते हैं। और तो देख सकते हैं साथियों, सांप यहीं पर छिपा हुआ, काफी बिग साइज का कोबरा है ये। देख सकते हैं बहुत लार्ज साइज का कोबरा सांप है। दोस्तों यह सांप जो है कुछ शिकार किया हुआ है। और क्या है कि लोग वहां काम कर रहे थे, मजदूर लोग ही हटा रहे थे, तो ऐसे में जो है सांप दिख गया, ये अच्छी बात है। अगर नहीं दिखता तो ये हटाने के क्रम में अगर सांप पकड़ा जाता तो हो सकता था यह स्नेक बाइट कर लेता हमें। तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने यहाँ से एक कोबरा सांप को पकड़ा है और रात में पकड़ा था। हो सकता है ये उसका जोड़ा सांप हो, तो हम लोग इसे भी वहीं छोड़ेंगे जहाँ पर हमने पहले वाले स्नेक को रिलीज किया है। तो दोस्तों ये जो है अभी कुछ शिकार कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका पेट कुछ खुला हुआ है और शायद इसने किसी चूहे को खाया है। और काफी बिग साइज का कोबरा है। और दोस्तों ये एक जहरीला सांप होता है। इसमें क्या है, इसमें जो वेनम पाया जाता है बॉडी में जाने के बाद, ब्लड से मिलने के बाद जो है वो व्यक्ति को पहले पैरालाइज करता है। व्यक्ति धीरे धीरे कोमा में जाता है और उसके बाद फिर उसकी मौत होती है। लेकिन इस दरमियान क्या है दोस्तों, आपको घंटे से डेढ़ घंटे दो घंटे तक का समय मिलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। अगर तब आप हॉस्पिटल चले जाते हैं तो आपकी जान बच जाएगी। तो कभी भी स्नेक बाइट हो भूल से भी झाड़ फूक पर ना रहे दोस्तों। और इस स्नेक को हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर इसे ज़्यादा तंग करेंगे तो हो सकता है ये अपना शिकार को उगल देगा। तो हम इसे तत्काल ही रेस्क्यू कर लेते हैं। और शायद यह उगल रहा है, उगल तो नहीं रहा है। हाँ, आगे कर रहा है, चूहा लिया है, चूहा आगे कर रहा है उगलने के लिए। हाँ हाँ, उगलेगा लगता है। ठीक, हट जाइए, आप हटिए ना वहाँ से। हाँ, निकालो आगे निकालो। तो ये जो है हम लोग काफी जा रहे थे कि अपना शिकार, लेकिन फाइनली जो है छुछुंदर है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह सांप जो है एक छुछुंदर को खाया हुआ था, मोल जिसे कहते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि सांप और छुछुंदर जो है एक जगह नहीं पाए जाते, लेकिन क्या है अभी आपके सामने है, सांप ने इस छुछुंदर को खा लिया है। और अभी उगल चुका है यह इसे, क्योंकि इसे भागने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ज़्यादा देर नहीं हुआ इसे शिकार किए हुए, इस वजह से जो है यह अभी उगल दिया उस खाने को अपने। और अब क्या है, अब इसकी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई है और यह भागने में पूरा समर्थ हो चुका है। अगर हम इसे पैक भी कर लेते दोस्तों तो ताज़ा शिकार था, इस वजह से यह उसे उगल ही सकता था। तो हम लोगों ने इसे रेस्क्यू कर लिया है। चलिए अब इसे डब्बे में पैक करते हैं। Yeah.
तो दोस्तों आपने देखा, हमने इस कोबरा सांप को अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया और इसे भी ले जाकर हम लोग वहाँ ही रिलीज करेंगे जहाँ पिछले कोबरा को हमने रिलीज किया है, जो कि कुछ दिनों पहले यहाँ से रेस्क्यू हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं साथियों फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर नमन कुमार, जय हिंद जय भारत। सब झूठ बोले थे, देखो नहीं जब बोला नहीं इतना बड़ा तब लगा होगा।